के साथ ये बात कहते हैं कि प्योर ब्लैक एस्ट्रल ऑर्ब सप्लाई करने वाले वहद, हमारा कह लीजिएगा कि ये एक अदारा है पोल्ट्री आइडियाज़, जो पूरे पाकिस्तान को प्योर ब्लैक एस्ट्रल ऑर्ब जो है ये सप्लाई कर रहा है। रीज़न क्यों है? क्योंकि प्योर ब्लैक एस्ट्रल ऑर्ब, मैंने पहले कभी ये बात नहीं की, चैलेंज से मैं ये बात कहता हूँ कि प्योर ब्लैक एस्ट्रल ऑर्ब जो है ना कमर्शियल में, वो आपको हमसे ही मिलेगी। हम करते क्या हैं उसमें, हमारे पास ब्लैक एस्ट्रल ऑर्ब हेरिटेज इम्पोर्टेड रिंग बर्ड हैं, उनके जो एक्स्ट्रा मेल्स होते हैं वो हम अपनी कमर्शियल मुर्गियों के साथ छोड़ के उनके जो बच्चे निकलते हैं वो आपको आगे डिलीवर करते हैं, जिनकी प्रोडक्शन एटलीस्ट अल्हम्दुलिल्लाह 75 से 80% ब्लैक एस्ट्रल ऑर्ब की प्रोडक्शन है। बट ये प्रोडक्शन लेने के लिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पोल्ट्री आइडियाज़। उम्मीद करता हूँ अब सब दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप तमाम दोस्तों से माजरत, क्योंकि हर तीसरा मैसेज यही है, भाईजान बहुत देर होगी आपकी वीडियो नहीं आ रही, क्या मसला हुआ, काम छोड़ दिया और किधर मसरूफ़ हैं। कुछ ऐसे मैसेजेस, कुछ ऐसी कॉल्स कह लीजिएगा कि आप दोस्तों की तरफ से मुझे रिसीव होती रहती हैं। मैंने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोस्तों के साथ शेयर तभी की जाती हैं जब वो चीज़ पूरी हो जाए। असल में हम पिछले कोई कह लीजिएगा कि 3 महीनों के करीब ही हो गया है, तो कुछ नई कंस्ट्रक्शन में बिज़ी थे जिसकी वजह से टाइम वीडियो के लिए नहीं निकल पा रहा था। और मेरा ये होता है कि जब तक कोई चीज़ कंप्लीट ना हो जाए तब तक खाम खाम में उसको, छोटी छोटी चीज़ों को आपके साथ ऐसे ही शेयर ना किया जाए, क्योंकि मैंने बाय प्रोफेशनल, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ कि ऑन डेली बेसिस जो है वो आप दोस्तों को अपने इंटरटेनमेंट वीडियोज़ और मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ये सारी वीडियोज़ शेयर किए। मकसद यही होता है कि आप दोस्तों के साथ वो चीज़ शेयर की जाए जो इस चैनल पे आप तलाश करने आते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, एक तो ये आपको मेरे पीछे शेड भी नज़र आ रहा होगा जी, इसकी न्यू कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ फैंसी का अलग से हमने जो है वो सेटअप लगाया था। उसके बाद नए ब्रूडिंग रूम है, ये अलग से हमने लगाया है फार्म के ऊपर। यू नो कि आजकल बिजली की जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा थी, तो कुछ एक्सपेरिमेंट हुए थे सोलर को लेके, उसमें भी हमें पहला जो हमने किया है अच्छा खासा पटका पड़ा। बाद में हमने नया सोलर सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया, और सबसे बड़ी जो बात है अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आपको हमारी एक एक्स्ट्रा ब्रांच जो है वो नॉर्दर्न एरिया में सवात वाली साइड में इंशाल्लाह आपको ये नज़र आएगी। तो वहाँ पर भी कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह जो थी वो चल रही थी, तो उधर भी कह लीजिएगा कि ज़रा मसरूफियत थी, तो जिसकी वजह से ऑन रेगुलर बेसिस पे वीडियो बनाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आई होप के कंटिन्यू करेंगे अपने इसी सीरीज़ को लेके, और जो भी आपके कह लीजिएगा कि मामलात हैं या जो आपके सवालात हैं वो आप कमेंट बॉक्स में करके हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर यकीन करें कि स्टिल अभी भी, अगर मैं आपको मोबाइल अपना दिखाता हूँ तो इस टाइम जो है कल के आज तक के जो मैसेज हैं 342 मैसेज जो हैं वो मेरे पास लगे हुए हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप के ऊपर ब्रदर थोड़ा सा इशू ये आ जाता है कि एट द सेम टाइम जो है रिप्लाई देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन रिप्लाई आता ज़रूर है। तो व्हाट्सएप के ऊपर जो है ये भी हम इंशाल्लाह ताला आप दोस्तों को रिप्लाई करते हैं, डायरेक्ट जो आपकी कॉल्स होती हैं उसको भी हम लेते हैं, जो भी आपके मामलात होते हैं उनको सॉर्ट आउट करते हैं। तो आते हैं जी अब मेन वीडियो की तरफ जी। सबसे पहले तो बात यह है कि अब दोस्त साहब आप मुझसे पूछते हैं कि भाईजान अपना नाम, अपना शहर का नाम, फार्म का एड्रेस, ये हर वीडियो में पूरा बता दिया कीजिए। देखें जी, नाम बारह मरतबे में पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ, मनकूश अहमद मेरा नाम है, और ये जो हमारा फार्म है ये एग्जिस्ट करता है जी फैसलाबाद में, और फैसलाबाद लाहौर जीटी रोड के ऊपर ये फार्म है। आप गूगल पर सर्च करेंगे पोल्ट्री आइडियाज़, आपको वहाँ से हमारे फार्म की लोकेशन जो है उसकी पिन मिल जाएगी। सेकंड ये होता है कि जो व्हाट्सएप हमारा है, जिस भी नंबर से आपने, जिस भी नाम से आपने सेव किया हुआ है उसकी डिटेल में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको हमारी लोकेशन मिल जाएगी। फार्म की जो टाइमिंग है नॉर्मली यही है कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ऑन डेली बेसिस में इधर अवेलेबल होता हूँ। मास्वा एक दिन मैं 12 मरतबा पहले भी बता चुका हूँ, सिर्फ जुमे वाला दिन हमारे लिए ज़रा थोड़ा सा होता है क्योंकि जुमे वाला दिन मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता हूँ, बट सम टाइम मैं अवेलेबल होता हूँ। बाकी 6 दिन जो है ये यहाँ पे मैं अवेलेबल होता हूँ। जो दोस्त साहब विजिटर वगैरह आते हैं
तो उनसे मेरी एक ही गुजारिश है, प्लीज़ आने से पहले टाइम फ्रेम ज़रूर बना लिया करें। समटाइम ये भी होता है कि आप दोस्त आते हैं तो अगर मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं हूँ, मैं अपने किसी ज़रूरी काम से शहर के निकल गया हूँ या दूसरी साइड पे निकल गया हूँ, क्योंकि एक दो मरतबा ये हुआ है लास्ट वीक ही, दोस्त आए हैं, दूर से आए हैं, बट मैं यहाँ पर नहीं था, शाम का टाइम था, मैं अभी निकला ही हूँ तो पीछे से वो आ गए हैं। तो प्लीज़ एक मरतबा फ़ोन ज़रूर कर लिया कीजिएगा अवेलेबिलिटी के लिए, या फिर कोशिश किया करें कि 10-11 बजे तक आप फार्म पे आ जाएं, तब तक मैं इधर ही होता हूँ, बट शाम के टाइम जो है ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब आते हैं जी मेन जो टॉपिक है हमारा, मुर्गियों की तरफ। देखिए मुर्गियों का काम जो है ना पाकिस्तान में, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं और पिछले 4-5 साल से हम ही कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि बस ठीक है जी जो बिज़नेस देखा, जैसे मैंने स्टार्ट की वीडियोस आप देखेंगे तो मैंने वहाँ पे आपको एक बात कही थी कि मौसमी जो मेंढक होते हैं वो हर बिज़नेस में कूद पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं आपने करना, हर बिज़नेस को आपने अच्छी तरह से पहले थोड़ा सा स्टडी कर लेना है, उसके ऊपर रिसर्च कर लेनी है, फिर उस काम में आना है। जब एक मरतबा आ जाएँ तो फिर अल्लाह का नाम लेके इसमें कूद पड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुर्गियों का काम जो है वो चल रहा है, वही कर रहे हैं जो पहले दिन से कर रहे थे। बड़े लोग आए, बड़े लोगों ने काम किया, बड़े लोग इसको छोड़ के भागे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम पूरे पाकिस्तान में चैलेंज के साथ ये बात कहते हैं कि प्योर ब्लैक ऑस्ट्रोलॉब सप्लाई करने वाले वहद, हमारा कह लीजिएगा कि ये एक अदारा है पोल्ट्री आइडियाज़, जो पूरे पाकिस्तान को प्योर ब्लैक ऑस्ट्रोलॉब जो है ये सप्लाई कर रहा है। रीज़न क्यों है? क्योंकि प्योर ब्लैक ऑस्ट्रोलॉब, मैंने पहले कभी ये बात नहीं की, चैलेंज से मैं ये बात कहता हूँ कि प्योर ब्लैक ऑस्ट्रोलॉब जो है ना कमर्शियल में, वो आपको हमसे ही मिलेगी। हम करते क्या हैं उसमें, हमारे पास ब्लैक ऑस्ट्रोलॉब हेरिटेज इम्पोर्टेड रिंग बर्ड हैं, उनके जो एक्स्ट्रा मेल्स होते हैं वो हम अपनी कमर्शियल मुर्गियों के साथ छोड़ के उनके जो बच्चे निकलते हैं वो आपको आगे डिलीवर करते हैं, जिनकी प्रोडक्शन एटलीस्ट एटलीस्ट अल्हम्दुलिल्लाह 75 से 80% ब्लैक ऑस्ट्रोलॉब की प्रोडक्शन है। बट ये प्रोडक्शन लेने के लिए सर जी थोड़ा सा इस पर मेहनत करने की ज़रूरत होती है। अगर आप इसको आम मुर्गियों की तरह पालेंगे तो फिर आम मुर्गियों की तरह इसने रिज़ल्ट देना है, कुछ एक्स्ट्रा इसको देना पड़ता है, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, एक्स्ट्रा पैसा इसको खिलाना पड़ता है, तो तब जाके, ये नहीं कि लगातार खिलाना पड़ता है। शुरू के दिनों में आपने जो है वो बर्ड को अच्छी तरह से ग्रो अप करना होता है। जब एक मरतबा आपका बर्ड तैयार हो जाता है तो इंशाल्लाह ताला बाद में आके वो आपको अच्छी प्रोडक्शन देता है। तो ये एक वीडियो थी जी, इसमें मैंने कोशिश की है कि एक तो आपसे रابطہ जो मुनक़ता हुआ हुआ था इसको बहाल किया जाए, और आने वाले दिनों में बैक टू बैक इंशाल्लाह ताला आपको वीडियोस मिलेंगी हमारी तरफ से, ख़ास कर नए फार्मर हजरात के लिए जो मुर्गियों के काम में आना चाहते हैं, या फिर वो मेरे फार्मर हजरात जो बहुत परेशान हैं जिन्होंने मुर्गियों का काम शुरू किया हुआ था बट उनको खातर ख़्वाह वो रिज़ल्ट नहीं मिल सका, उस पर हम बात करेंगे कैसे आप मुर्गियों के काम में आ सकते हैं, कैसे इनसे आगे आप अपने काम को आगे चला सकते हैं। और दूसरी जो मेन इसमें एक आप दोस्तों के लिए मैं गुड न्यूज़ दे देता हूँ कि हमारा फोकस सिर्फ मुर्गियों के ऊपर नहीं होगा आने वाले दिनों में, हम सिर्फ मुर्गियों के फार्मिंग के रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स होंगी जिसमें कैटल फार्मिंग, गोट फार्मिंग आ जाती है, पोल्ट्री फार्मिंग आ जाती है, इसके साथ कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज़ जो एक आम बंदा कर भी सकता है। अक्सर आपने नेट पे देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दो साहबाब आपको मशवरे तो हज़ारों देते हैं, वीडियोस बना देते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि ये जैसे आज मैं बंद कमरे में बैठ के तो आपको आइडियाज़ देने शुरू कर दूं, बुकिश नॉलेज कुछ भी नहीं है, नेट से एक कंटेंट उठाऊँ, उस पर सर्च करूँ और आगे आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूँ, ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह ताला हमारी तरफ से जो भी बिज़नेस आइडियाज़ आपको इंशाल्लाह ताला डिलीवर किए जाएंगे प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकल कामयाब लोगों के आइडियाज़ आप दोस्तों के साथ शेयर किए जाएंगे, ताकि उनमें ना सिर्फ इस बात को मद्देनज़र रखा जाएगा कि भाई आप इस काम में आके कामयाब कैसे हुए हैं, बल्कि इस बात को भी डिस्कस किया जाएगा कि सर इस काम में क्या क्या हर्डल्स हो सकती हैं या किन किन वजूहात की बिना पे आपको इसमें लॉस हुआ था। मेन मसला लॉस का होता है, अगर कोई आदमी आपको अपने लॉस के बारे में बता देता है तो समझ लें वो अपना तजर्बा आपके साथ शेयर करता है। तो मेरा फोकस यही होगा कि जो भी इंशाल्लाह ताला बिज़नेस आइडियाज़ रिलेटेड टू फार्मिंग, एग्रीकल्चर फार्मिंग के रिलेटेड ही होंगे, ये नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे गाड़ियों की वर्कशॉप और
कोई कपड़े की मार्केट या फिर मशीनें वगैरह जो है वो दिखाना शुरू कर दो। नहीं, फार्मिंग रिलेटेड जो आम बंदा भी कर सकता है, इंशाल्लाह ताला यही बिजनेस आइडियाज़ मेरे दिमाग में कुछ हैं जो आप दोस्तों के साथ शेयर किए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आपको हमारे इस चैनल के तवसत से अच्छी खासी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ ना सिर्फ पोल्ट्री फार्मिंग के रिलेटेड बल्कि गोट फार्मिंग, कैटल फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, इसी से रिलेटेड क्रॉप्स फार्मिंग, जितनी भी किस्म की फार्मिंग होगी फिलहाल इसी पे हमारा फोकस होगा, उसके आइडियाज़ आप दोस्तों के साथ शेयर किए जाएंगे। अपना और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हमें नासिर। अल्लाह हाफिज़।